द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। जिस केस में आजम खान की विधाई की गई थी, उसी केस में कोर्ट ने आजम खान को अब बरी कर दिया है। एमपी एमएलए की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा है कि आपका फैसला गलत था, आजम खान को 3 साल की सजा देना सरासर गलत था। इस संबंध में जरा न्यूज 24 का यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। हेट स्पीच केस में आजम खान को राहत, जिस मामले में गई थी विधायक की उसमें कोर्ट ने किया बड़ी। आजम खान को लेकर एक और ट्वीट है, न्यूज 24 ने ही किया है। इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की इसमें टिप्पणी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की सजा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था। आजम खान बाइज्जत बरी हो गए इस मामले में। लेकिन विडंबना देखिए, राजनीतिक साजिशों का जो आरोप लगता है क्या वो यहां सही साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब तो इनकी विधायकी की चली गई, लेकिन इस मामले में क्या उनकी विधायकी की बहाल हो पाएगी, तमाम ऐसे सवाल कौंधने लगे हैं। चूंकि जिस सीट पर उनकी विधायकी की गई थी वहां तो जल्दी जल्दी में उपचुनाव कराकर नए विधायक चुन भी लिए गए, ऐसे में अब आजम खान के साथ क्या होगा, तो इसको लेकर भी अब जानकारी स्पष्ट हो रही है। आजम खान पर इतने सारे केस डाल दिए गए हैं, जिसमें एक केस में और भी वो कन्विक्टेड है, जिस केस में इनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कन्विक्टेड हुए, उनकी भी विधायकी की गई। तो इस कारण से आजम खान की विधायकी की बहाल नहीं हो पाएगी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में एनडीटीवी ने जो जानकारी दी है बेहद इंपॉर्टेंट है, जरा अपने स्क्रीन पर आप भी देखिए। एनडीटीवी ने अपने हेडलाइन में ही लिखा, हेट स्पीच केस, मोहम्मद आजम खान को राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट कर किया बड़ी। तो क्या निचली अदालतें कहीं दबाव में आकर काम कर रही है, क्योंकि अभी से यह सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जब से राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दोषी बताकर 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई, तब से ही निचली अदालत के फैसले को लेकर कई बड़े बड़े वकील अपनी राय रख रहे हैं और फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं। तो क्या ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट होते हैं, ऐसे भी आरोप लगे। अब आजम खान के मामले में ही देख लीजिए, हेट स्पीच के मामले में इन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई थी, वोट देने का अधिकार तक छीन लिया गया था। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत था, हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। तो आजम खान को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी? ऐसे में कोई भी मुद्दा पकड़कर और जल्द से जल्द उन्हें कन्विक्टेड करके यह कह देना कि आप गलत थे, आप दोषी हो गए, आपकी विधायकी, आपकी सांसदी सब खत्म कर दी जाती। लेकिन अब जब एमपी एमएलए कोर्ट फैसले को पलट रहा है, तो क्या वो सारी चीजें वापस आएंगी? ऐसा तो प्रतीत नहीं हो पा रहा है। अब जरा खबर में डिटेल में देखते हैं क्या कुछ कहा गया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल कैद की सजा को खारिज कर दिया। हेट स्पीच मामले में कोर्ट का जिस तरह से यह एक बड़ा फैसला आया है, उससे समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोष मुक्त किया है, अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई, यह अपील हमारे फेवर में गई और अब दोष मुक्त करार दिया गया है। यानी निचली अदालत ने जिस हिसाब से फैसले किए, उस फैसले में खामियां थी, इस वजह से एमपी एमएलए की अदालत ने यह माना है कि आजम खान इस मामले में दोषी नहीं है, निचली अदालत का फैसला ही गलत है। तो 3 साल की सजा किस बिना पर सुना दी गई, इसको लेकर अब तो बड़ी बहस छिड़ने वाली है। सपा की ओर से जोरदार पलटवार भी इस मामले में हो सकता है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई है, एक ट्वीट है, उसमें वीडियो भी है, हम उनके वीडियो के स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए।
नाहिद लारी खान इनका नाम है और इन्होंने लिखा है, आज जिला कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला रद्द कर आजम खान जी को बाइज्जत बरी किया। न्याय संगत फैसला, कानून का तकाजा, जब मुकदमे खत्म, बाइज्जत बरी, चुनाव आयोग आजम जी की सदस्यता बहाली पर शीघ्र विचारे। सपा शुरू से कह रही आजम जी पर बदले की भावना से सब मुकदमे फर्जी हैं, क्योंकि आजम खान पर कई ऐसे केस दर्ज हुए हैं जो अपने आप में हास्यास्पद भी लगते हैं। कभी बकरी चोरी के भी आरोप आजम खान पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आजम खान पर अब इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि इनके विधायक ही चली गई, इस मामले से निकले हैं। लेकिन एक मामला उनके ऊपर और चल रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एनडीटीवी की ही खबर देखिए। एनडीटीवी ने जानकारी दी है कि गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत, यहां ध्यान दीजिएगा, मजिस्ट्रेट की अदालत ने उस वक्त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी और वोट देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। खां ने निचली अदालत के इस निर्णय के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत में अपील की थी। और यहां जब सुनवाई हुई, निचली अदालत में जो मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला दिया था उसे पलट कर रख दिया और आजम खान को बाइज्जत बरी किया है। इस संबंध में आगे एनडीटीवी ने जो जानकारी दी है वो भी देखिए कि खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद पिछले साल रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने खां के करीबी सपा उम्मीदवार आसिम राजा को हराया था। अदालत से आज राहत मिलने के बावजूद आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है, क्योंकि अवैध रूप से मार्ग जाम करने के मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को इसी साल 2-2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला की भी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इस मामले में भी सजा सुनाए जाने के कारण आजम खान की सदस्यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है। इसी वजह से हमने आपको खबर के शुरुआत में ही कही थी कि इनके ऊपर एक के बाद एक कई ऐसे मामले लादे गए हैं और कुछ में वो कन्विक्टेड हो चले हैं। तो इससे अगर निकल भी गए हेट स्पीच से, तो यहां उन्हें सड़क जाम करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाकर इनकी विधायकी छीन ली गई है। तो फिर आजम खान करे तो क्या करे। लेकिन बड़ा सवाल तो उठ ही गया है, निचली अदालतें जिस तेजी से फैसला करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी पालन नहीं करती हैं, जिसमें कहा गया है कि निचली अदालतों में जो भी जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि पर फैसला करते वक्त जरूर ध्यान रखें कि उनके एक फैसले से, उनके एक सेंटेंस से किसी की विधायकी, किसी की सांसदी भी जा सकती है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है और सोच समझ कर जजमेंट लिखने की जरूरत है। बावजूद इसके आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो या फिर राहुल गांधी ही क्यों ना हो, इन सब पर जिस तरीके से निचली अदालतों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सजा सुनाई जा रही है, यह मामला बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है और ऊपरी कोर्ट में जाते जाते यह मामला कमजोर भी पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी के मामले में यह हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन राहत की उम्मीद अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल सकता है, लेकिन आजम खान का क्या होगा कि उनके खाली सीट पर तो विधानसभा के उपचुनाव भी कराकर नए विधायक चुन लिए गए, तो आजम खान जाएंगे कहां? और अगला मामला है, अगर उसमें भी वो बरी हो जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या जो वर्तमान में विधायक हैं उनके विधायकी खत्म कर दी जाएगी और आजम खान बहाल हो जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।